हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने जाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल और कुछ खास पिलर्स, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं और कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उसमें आती हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है, यानी मानव अधिकार। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो राइट्स होती हैं जो खाली सिर्फ इंसान को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी जो एक बेसिक एग्जिस्टेंस है उसी के लिए जो है उसको अधिकार नहीं दिए हैं कि तुम, हाँ इस एक, जैसे कह रहे हैं तुम भी एक हिस्सा हो, खाली वही अधिकार नहीं है बल्कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जिसमें समाज जो है वो मदद करे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जिससे कि वो जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए, वो ग्रो कर पाए। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको कुछ बेसिक राइट्स यानी मूल अधिकार दिए जाते हैं। एक इंसान के साथ भेदभाव नहीं होता है कास्ट के आधार पर और वो जो है अपनी बेसिक राइट्स का अनुभव कर सकता है। ये जो प्रोटेक्शन है राइट्स का, ये अश्योर किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, साथ ही साथ नेशन के द्वारा। तो एक इंसान जिसको उसके बर्थ के बाद से ही अधिकार मिल जाते हैं, जो उसके मूलभूत अधिकार हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करी थी 10 दिसंबर 1948 को, और इसीलिए 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट डे के तौर पे। जब से ग्लोबल अनाउंसमेंट हुआ है ह्यूमन राइट्स का, कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ऐड करी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उसके बाद उनका भी जो है ये राइट्स जो हैं एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से प्रोटेक्ट करी जाती हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स जो कि इंक्लूड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये मेनली बोलती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक बहुत ही इज्जत भरी जिंदगी जिए उसका इनको अधिकार देती है। ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए उसको जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब जो है उसको बिल्कुल ही सही तरीके से और रिस्पेक्टेबल तरीके से मिलने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउ करती है अपने नागरिकों को कि वो जो है बराबर के अधिकार इंजॉय करें, जो एक मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट और चौतरफा विकास जो होता है उसके हिसाब से जो सिटीजन्स हैं उनको बराबर के अधिकार दिए गए हैं वो भी इंजॉय कर सके डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। स्टेट गारंटी करता है कि ऐसा माहौल मिले जिसमें प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स का हो, और यही जो है एक सही मायने में पहचान है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। फंडामेंटल राइट्स, नेशन की जो स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है सिटीजन के फ्रीडम का और डेमोक्रेसी, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। अब यहाँ 6 तरह की फंडामेंटल राइट्स की हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी लॉ के सामने, इक्वल प्रोटेक्शन हो लॉ के द्वारा, ये जो है इंक्लूड किया गया है राइट टू इक्वालिटी में। ये फंडामेंटल राइट जो है मेजर फाउंडेशन मानी जाती है बाकी और सारी राइट्स की, और जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं गारंटी जो किए गए हैं इंडियन सिटीजन को, ये सबसे बड़ी चीफ गारंटी मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसीलिए ये ऑब्वियस है कि हर नागरिक जो है इंडिया का, उसको आसानी से पहुंच है कोर्ट्स तक, ताकि वो अपनी जो भी राइट टू इक्वालिटी है उसको, उसका जो है प्रयोग कर सके। इस राइट के अंतर्गत किसी भी इंसान के साथ कोई भी फेवरेटिज्म नहीं दिखाया जाएगा कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज के आधार पर। लॉ सबके लिए बराबर है, यानी कि पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक अगर जो है वो लॉ के अगेंस्ट एक्ट करते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और बाध्य है जो जनरल कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत। इसी तरीके से प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके पास जो है कुछ खास प्रिविलेजेस दिए गए हैं। कैसी और हर एक सर्कमस्टेंसेस में लॉ जो है वो बराबर के तौर पे चलनी चाहिए, मतलब
सबके लिए लॉ सामान्य होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन या क्लास के लिए। सारी जो लॉज हैं उनको सामान्य तौर पर देना करना चाहिए, मतलब जिसको भी आप न्याय दे रहे हैं उसको सामान्य तौर पर दीजिए, सबके लिए आप जो है लॉ के सामने बराबर, हर इंसान के पास बराबर का एडमिटेंस होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए कि वो जा सकता है पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस, यहाँ तक कि उसकी जो एक्सेस है वो रोड्स, लेक्स के लिए या जो पब्लिक वेल्स हैं और बेदिंग घाट्स हैं उनके इस्तेमाल के लिए हर इंसान की पहुँच बराबर के तौर पर होनी चाहिए। स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो स्पेशल अरेंजमेंट करे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए या जो डेवलपमेंट है किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए। किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कई सारी जो चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो या हायर एजुकेशन जो स्टेट के अंडर आते हैं। जो मैटर्स है स्टेट पब्लिक सर्विसेज के उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करनी चाहिए सब सिटीजन को। स्टेट को जो है वो परमिशन दी गई है तो वो डिसीजन ले सके, अगर जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो सेट सर्विसेज है उसके लिए वो जो है चाहे तो डिसीजन भी ले सकता है। क्योंकि ये सोशल जस्टिस और पर्सनल डिग्निटी के लिए एक गारंटी के तौर पे है, इसलिए अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई और उसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में अगर करी जाती है तो वो प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। टाइटल्स हों, एपिथेट्स हों, जो ऑनर दिए जाते हैं वो सब जो है आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको रिमूव कर दिया गया है। जो एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं नामों के पीछे जैसे सर, दीवान जी, राय बहादुर, ये सब रिमूव कर दिए गए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अचीवमेंट्स हैं इंडिविजुअल्स के अलग अलग फील्ड्स में उसको जो है दर्शाने के लिए स्पेशल अवार्ड देने शुरू किए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र जो है वो अवार्ड दिया जाता है मिलिट्री सर्विसेज के लिए। अब एडजेक्टिव्स हैं जैसे जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये जो है लगाए जाते हैं उन नाम के पीछे जो मिलिट्री सर्विसेज में होते हैं और इनको नहीं माना जाता है कि ये वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का। जो एम है इस राइट का वो है एक इक्विटेबल सोसाइटी को बनाना और इस तरह से रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना इंडिया के अंदर। स्पेसिफिक सर्विसेज अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स हैं क्लासेस उनको प्रोवाइड करना, उसके लिए जो है अलग अलग प्रावधान जो है लॉ के अंतर्गत किए गए हैं। जैसे अलग अलग लॉज हैं एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन, जुवेनाइल्स, इनके लिए। जो प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी इसी आर्टिकल का हिस्सा है। राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए छह तरह के फ्रीडम जो कि दिए गए हैं, जैसे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त करने की आज़ादी, बिना किसी आर्म्स के आप असेंबल हो सकते हैं एक जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, पूरी टेरिटरी में इंडिया के कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में टेरिटरी ऑफ इंडिया के सेटल हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे ट्रेड हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी आपको करने का अधिकार है, फ्रीडम दी गया है। ये जो राइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी की भी और एक्सप्रेशन की भी इंडियन सिटीजन की। शांतिपूर्ण तरीके से वर्किंग चलती रहे डेमोक्रेसी की उसके लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हो उसके लिए ये जो राइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी इंडिविजुअल इन फ्रीडम्स को बिना किसी इररिस्पॉन्सिबली लापरवाही के, बिना किसी नैतिक जिम्मेदारी के एक्सरसाइज नहीं कर सकता। स्टेट जो है वो कंट्रोल भी कर सकता है, लिमिट भी कर सकता है ये जो राइट टू फ्रीडम है, अगर वो जो है अगेंस्ट जा रहा है वेलफेयर, पीस और सिक्योरिटी के सोसाइटी के अंदर। ये जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें ये भी बताया गया कि कैसे राइट्स को एक्सरसाइज करना है। अब जैसे इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है कि ये एक्सप्रेस कर सकते हैं ओरली बोलकर, वर्बली बताकर या फिर ऐसे जेस्चर्स के थ्रू जिससे उनकी जो भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से बाहर आ सके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपनी इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अनलिमिटेड और बिना किसी रोक टोक के।
कुछ कंट्रोल जरूरी है, लिमिटेशन जरूरी है, ऐसा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट जो है वो रिक्वायर्ड कंट्रोल लगा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, ताकि मेंटेन करी जा सके यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, सेफ्टी स्टेट की, और जो रिलेशंस हैं वो पीसफुल बने रहे फॉरेन नेशंस के साथ, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक पीस के लिए, कॉम्प्रोमाइज और सेफ्टी के लिए, मॉरेलिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए, और कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन के लिए या प्रोवोक करना वायलेंस क्राइम के लिए। तो इस तरह से जो है जो स्टेट है वो कंट्रोल लगा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। अथॉरिटी होती है जुडिशरी की कि ये जो लिमिटेशंस हैं ये पर्याप्त हैं या नहीं। जो पर्पस है इस फ्रीडम ऑफ प्रेस के पीछे, जो कहने को आइडियाज और ओपिनियंस के थ्रू है, वो मेनली क्या सामने रखता है? पब्लिक वेलफेयर को, जिसको कि सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया है। इसको उसको भी इंक्लूड करना चाहिए राइट टू एक्सप्रेशन में। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें जो है फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हैं। अगर जो है इंसान गिल्टी नहीं है क्राइम के लिए, तो उसको जो है मतलब उसका जो दोष है वो साबित नहीं हुआ है, तो उसको सेंटेंस नहीं किया जा सकता पनिशमेंट के लिए, या ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ के द्वारा। इसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता एक बार से ज़्यादा, और ना ही जो है सेम जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको, कोई भी इंडिविजुअल को महरूम नहीं रखा जा सकता उसकी लाइफ से, उसकी लिबर्टी से, एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक आपको उसको कारण नहीं बताएंगे कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। अगर अरेस्ट होता है तो पर्सन के पास अधिकार है कि वो अपने आप को बचा सकता है लॉयर के थ्रू जो वो चाहे। एक अरेस्टेड पर्सन जो है उसको लाना पड़ेगा जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास 24 आवर्स के अंदर। बिना किसी परमिशन के कोई इंडिविजुअल को नहीं रखा जा सकता है कस्टडी के अंदर। जो प्रोहिबिशन एक्ट है, पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है वो एप्लीकेबल नहीं है जो भी मैटर्स हैं जो जिसके लिए उसको पकड़ा गया है उसके लिए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर स्टेट जो है कोई भी क्रिमिनल डीड या एक्टिविटी को एंटिसिपेट करता है किसी पर्सन से, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पर्सन जो है उसको डिटेन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर। मतलब जो स्टेट है अगर उसे लगता है कि ये जो इंसान है इसके द्वारा जो है लग सकता है कि ये कोई भी क्रिमिनल डीड कर सकता है या एक्टिविटी को अंजाम दे सकता है, तो ऐसे में सेफ्टी के तौर पर उस इंसान को डिटेन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत। जो पर्पस है इस एक्ट का वो ये नहीं है कि उसे पनिश करना है कन्विक्ट को, बल्कि उसे रोकना है कि वो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी स्टेट के खिलाफ या सोसाइटी के इंडिविजुअल के खिलाफ ना करे। इस एक्ट के अंतर्गत एक इंसान जो है डिटेन किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा नहीं। जो डिटेंशन है या जो ऑर्डर है इसको कैंसिल भी किया जा सकता है जैसी भी राय हो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की या मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड की, और स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि डिटेंशन का टर्म जो है वो क्या होगा। डिटेंशन मीन्स एक तरह से उसको अलग कर दिया जाएगा। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये देखना है कि कोई भी इंसान जो है उसको जो है शोषण का शिकार नहीं हो दूसरे इंसान के हाथों, और एक शोषण मुक्त समाज जो है वो क्रिएट हो सके। ये जो है ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का इस राइट के थ्रू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रूजरी होती है, स्लेवरी है, या जो फोर्स लेबर है, ये सब बैन कर दिए गए हैं। इन सब में इंसान का शोषण होता है। वायलेशन जो है अगर इस राइट का होता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। बच्चों का इलीगल तौर पर या विमेन का इलीगल तौर पर व्यापार करना, फोर्स लेबर का या जबरदस्ती उन पर गुलामी लादना, बिना पे के काम कराना, और जो पुराना ड्रूजी सिस्टम आ रहा था वो सब इस राइट के थ्रू एंड कर दिया गया है। ये ड्रूजी सिस्टम एक तरह से शोषण करने का तरीका है। तो किसी भी इंसान से काम लेना बिना पे किए हुए या उनको कम दाम देना जो उनके एक्चुअल में डिजर्व करते हैं और मजबूर करना, लागू करना उन लेबर के ऊपर, ये जो है एक पनिशेबल एक्ट माना गया है। कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 14 साल से कम हो उसे आप काम नहीं करा सकते फैक्ट्री में, माइन में, या कोई भी डेंजरस प्रोफेशन में, गैरेज में, होटल में, और ना ही उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं एक हाउस होल्ड सर्वेंट के तौर पर। जो
प्रोहिबिशन है चाइल्ड लेबर एक्ट का, उसमें ये सब जो है पनिशेबल ऑफेंस माने जाते हैं। मैंडेटरी सर्विसेज जो हैं वो ली जा सकती है किसी भी इंसान से, ताकि जो है अगर बाई चांस वो पब्लिक वेलफेयर के पर्पज से हैं, जैसे स्टेट मिलिट्री सर्विसेज होती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो रिलीजन की हो, किसी भी मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस रिलीजन का है, जेंडर का है, कास्ट का है, क्लास का है, या बिना किसी रिम्यूनरेशन के उसको जो है आप मैंडेटरी सर्विसेज उससे ले सकते हैं पब्लिक वेलफेयर के पर्पज के लिए बिना कुछ रिटर्न्स के। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी नागरिक हो इंडिया का वो अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, प्रचार कर सकता है, इसको जो है मेंशन किया गया है प्रावधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। पर ये जो राइट है ये इंजॉय करी जा सकती है एक लिमिट के अंदर जितने की परमिशन दी गई है। इससे क्या है, आप अपनी राइट्स को इंजॉय करिए तब तक जब तक आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी या जो हेल्थ है सोसाइटी की, इसके फ्रीडम को आप असर नहीं डालते। जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, ऑफरिंग्स हैं या प्रेयर्स हैं, वो सब इसमें नहीं शामिल है। जो स्टेट है इंडिया का उसके पास कोई भी अपना रिलीजन नहीं होना चाहिए, या इंडियन स्टेट जो है वो वैसे नहीं चलना चाहिए जैसे कि प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी रिलीजन या सेक्ट के। स्टेट जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस बिलीफ में किसी भी ग्रुप के। जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको फ्रीडम दिया गया है कि वो एस्टैब्लिश कर सके कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेज कर सके और चला सके रिलीजियस और फिलेंथ्रोपिक यानी कि काइंडली एम्स से। जो स्टेट है वो फंड भी जो है नहीं इस्तेमाल कर सकता जो कि कलेक्ट किए गए हैं पब्लिक टैक्सेस या पब्लिक फंड की मदद से, ताकि बेनिफिट हो और डेवलपमेंट हो किसी खास रिलीजन या सेक्ट का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि रन कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट पर, वो कोई रिलीजियस एजुकेशनल नहीं दे सकते हैं और ना ही मजबूर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें किसी भी रिलीजियस एजुकेशन में या कोई भी रिलीजियस मीट जो है उसको अटेंड करें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लोग जो हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के और कल्चर को मानने वाले इंडिया में रहते हैं। ये जो लोग हैं इंडिया के, इनके पास अधिकार है कि अपनी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चरल तौर पर पहचान है या जो एक अपनी उनकी वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, उनको वो प्रिजर्व करके रख सके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी हो जो रिलाय करता है गवर्नमेंट की ग्रांट पर, वो मना नहीं कर सकता एडमिशन को इस ग्राउंड पर कि वो जो है रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या किसी और कारण से उसको जो है मना नहीं कर सकता कि वो एडमिशन नहीं देगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपील करता है कि वोट करे ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पर, कास्ट पर, लैंग्वेज पर, तो उसको जो है मैल प्रैक्टिस यानी कि एक तरह से अवहेलना करी गई है एज पर एक्ट 123(3) के। कोई भी स्टेट फ्रेम कर सकता है लॉ और प्रोवाइड कर सकता है राइट टू सिटीजन कि वो फॉर्म करे और मैनेज करे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पर आधारित हो। स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं करेगा एजुकेशनल ग्रांट्स देने में या एजुकेशनल स्कॉलरशिप देने में स्टेट फंड की तरफ से किसी भी लिंग्विस्टिक या माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। अगर स्टेट जो है वो ये चाहता है कि वो प्रॉपर्टी जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जब्त कर ले, तो उसको जो है तभी कर सकता है जब उनको प्रॉपर रिटर्न्स देते हैं। इसके तरीके से क्या होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान जो हैं इस कंटेक्स्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के वो किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो है इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लॉज बनाई गई हैं, कितने प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, अगर उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता तब कोई भी मायने नहीं रह जाते, मीनिंग नहीं रह जाते ऐसे फ्रीडम या राइट का। इसीलिए एक प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर इन्हीं जो राइट्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसके अंतर्गत आता है एक रिट जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। ये जो राइट्स हैं इनको एक्सेप्ट किया गया है एज ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और इसके लिए अगर कोर्ट को ज़रूरी लगता है तो वो ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर कोई अपना जैसा इंस्ट्रक्शन या सोशल तौर पर डिसीजन दे सकता है। अपेक्स कोर्ट जो है उसके पास, यानी अपेक्स मीन्स जो टॉप कोर्ट होती है, उसके पास पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसे दी गई हैं।
कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। और अगर कोई इंसान उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है, सपोज किसी स्टेट के, कि उसने वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर अपनी इस अधिकार का प्रयोग करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कंसिडर किया इस राइट को कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। पार्लियामेंट जो है वो हैंड ओवर कर सकता है पावर्स इस तरह के ऑर्डर देने की किसी भी कोर्ट को। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ फ्रेम करती है जिसको कि वॉयलेट, जो कि वॉयलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, या उसमें नहीं आती है जो क्या कहते हैं सही होनी चाहिए, सही तरीके से उसमें नहीं आती है एज पर रूल्स, तो सुप्रीम कोर्ट जो है रोक सकता है स्टेट को। ये जो राइट है प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी किसी भी सिटीजन को कि वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, क्योंकि वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडियन सिटीजन को। ये जो राइट्स हैं ये दी जाती हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में। फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल हैं हर नागरिक के लिए, जितने भी अभी तक समय बीता है, जो भी समय, जैसे भी नागरिक हो, किसी भी समय के, किसी भी एज के, सबके ऊपर जो है ये फंडामेंटल राइट्स लागू होती हैं। पर इमरजेंसी के टाइम पर ये सस्पेंड करी जा सकती हैं। कोई स्टेट जो है तब लॉज नहीं बना सकता ऐसी जो कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स की ले।